प्रेजेंट जर्नी। मलेशिया हम पहुंच गए हैं फाइनली, तकरीबन 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी मस्कत से, और काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी। और अभी सुबह के तकरीबन, मुझे तो टाइम का भी ख़ास मालूम नहीं है अगर ओवर टाइम क्या है, लेकिन इट्स अर्ली मॉर्निंग। और अभी मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंट काउंटर्स यहाँ बने हुए हैं डिफरेंट सर्विसेज के हवाले से, लेकिन अभी मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। इमिग्रेशन काउंटर है, देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इस वक्त इमिग्रेशन में। बहुत सारे काउंटर्स हैं लेकिन हर काउंटर के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। सो फाइनली आई एम डन विद ऑल माई इमिग्रेशन स्टाफ एंड ट्रांजिट के लिए अब मुझे जो सना यहाँ स्टेशन पे आना पड़ा है। स्टेशन जो है यहाँ पर वो एयरपोर्ट के एफ गेट पे है, और यहाँ से आपको ट्रेन लेनी पड़ती है। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जा सकते हैं, यह ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आएगी मेरी और मैं फिर कुआलालंपुर सेंट्रल की तरफ जाऊँगा। आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, आप गाड़ी भी बुक करा सकते हैं। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यहाँ पर जिसे कहते हैं ग्रैब, और अगर आप वो ग्रैब कर लें तो वो आपको गाइड कर देती है कि आपने जहाँ जाना है, आपने डेस्टिनेशन डालें, वो आपको रूट्स भी बता देगी। और इसके अलावा आपको वो मेन जो फूड प्लेसेस हैं वो भी आपको बता देगी। सो आई एम एक्साइटेड टू जस्ट गेट इन टू द कुआलालंपुर। मलेशिया की थोड़ी सी कंट्री साइड में आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है, और इसी ग्रीनरी के अंदर ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, लेकिन ग्रीनरी को उन्होंने किसी भी तरीके से तर्क नहीं किया। और मलेशिया दुनिया का बहुत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाम ऑयल की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है। इवन कि पाकिस्तान में भी जो एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं, वो जो खाम तेल है, वो मलेशिया से ही हम लोग भी इम्पोर्ट करते हैं। देखें, पाम के ट्रीज हैं और यहाँ से पाम ऑयल की प्रोडक्शन होती है। यूरोपियन स्टाइल का ये सिटी है कुआलालंपुर, बिल्कुल ऐसे ही तर्ज पर इसको डेवलप किया है। यूरोपियन जैसे सिटीज़ हैं, आप अगर बर्लिन चले जाएं या फ्रांस चले जाएं या एम्स्टरडेम चले जाएं, तो ऐसे ही वेल कनेक्टेड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेहतरीन, जो रेलवे के ट्रैक्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन की जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ ये कनेक्टेड हैं, तो बेहतरीन जो है इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका यही है कि अपना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन, वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल कनेक्टेड होता है। अभी मैं कुआलालंपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। ये सेंट्रल स्टेशन मुख्तलिफ दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो लिंक्स हैं उनके लिए ये एक नेटवर्क है। यहाँ से आपको दीगर ट्रांसपोर्टेशन के सहूलियात मैसर रहेंगी। काफ़ी बड़ा स्टेशन लग रहा है, और डेफिनेटली अभी सुबह का टाइम है, इट्स अराउंड 10, तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सुना मैंने यही है काफ़ी ये बिजी स्टेशन है। अभी मुझे फिगर आउट करना है कि How do I have to get to my hotel? आप ये देख रहे हैं कि ये सेंट्रल स्टेशन के इनसाइड है और मुझे जाना है मोनो रेल की तरफ। सो लेट मी सी वेयर दिस मोनो रेल ट्रैक इज। मुझे लगता है कि फेस्टिवल चल रहा है शायद यहाँ पर, जिन्होंने जितना इन्होंने इसको सजाया हुआ आप देख सकते हैं। और ये है डिफरेंट कल्चर, जो मैं अक्सर आपको कहते रहता हूँ कि मुख्तलिफ कल्चर्स की जो खूबसूरती है वो बहुत अमेजिंग है। काफ़ी बिजी स्टेशन है, अभी मुझे जाना है मोनो रेल की साइड पर, और यहाँ से अपस्टेयर जाना है, मुझे किसी ने गाइड किया है, और अपस्टेयर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर दोबारा, और यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा।
काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल भी इसी सेंट्रल स्टेशन के ऊपर वाक़ है। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और इस ब्रांड को तो आप जानते ही होंगे। मुझे खुद इस मशीन के साथ नाराजमारी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे टिकट यहाँ ही से परचेज करना है, कैश में मुझे टिकट नहीं मिल रहा। मोनोरेल का टिकट मुझे मिल गया है और मुझे जाना है बुकित बेंतांग और टिकट ये है, आप देख सकते हैं, और मेरा स्टेशन बुकित बेंतांग आप ये लिखा होगा सेंटर में जहाँ एयर एशिया लिखा होगा। चलते हैं बुकित बेंतांग स्टेशन की तरफ। सो आई एम इन और ट्रेन आएगी यहाँ पर। लेट्स वेट फॉर द ट्रेन नाउ। ये शेड्यूल लगा हुआ है प्लेटफॉर्म 1 का, मुख्य स्टेशन है, मुझे जाना है इस स्टेशन में बुकित बेंतांग में एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस स्टेशन। इट्स MR6। ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव, बोर्ड होते हैं, स्टेशन का माहौल चेक करें। इस तरह की अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमारे शहरों में भी होंगी तब हम कह सकेंगे कि हमारे मुल्क ने भी तरक्की कर ली है। तो मुझे एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में, मैंने आपको याद होगा कि जो ट्रेन ली थी उसको कहते हैं KL एक्सप्रेस ट्रेन, और KL सेंट्रल स्टेशन तक वो आती है और नॉन स्टॉप ट्रेन है, तकरीबन आधा घंटा लेती है और आधे घंटे में आपको KL सेंट्रल पहुंचा देती है। और जो उसका टिकट है वो है 55 रिंगेट का। तो यहाँ से जब आप जो स्टेशन जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बुकित बेंतांग है, वो सेंट्रल कुआला लंपुर कहलाता है, वो बिल्कुल सिटी सेंटर है और वो सबसे बिजी स्ट्रीट है, बिजी एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको मेन एक्टिविटी करने को मिलती है। तो सिटी सेंट्रल स्टेशन से किया सेंट्रल स्टेशन से लेकर सिटी सेंटर तक जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तक का जो किराया है वो इस लाइन का वो 2.5 रिंगेट है। और सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस चेक कराता हूँ। इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मीन्स हैं बहुत फास्ट हैं, बहुत रीज़नेबल हैं, और शहर के अंदर आपने जगह जगह अगर स्टॉप ट्रैवल करना है तो ये बेहतरीन एक वे है। और लाहौर में ये पहला एक प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किया जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, बल्कि लॉन्च होने को है, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ऑरेंज लाइन का नाम दे रही है। होपफुली वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए बड़ा बड़ा रोल होता है इन फैसिलिटीज को इस्तेमाल करती है, तो उस इस इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल भी करना पड़ता है, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये स्काईलाइन है कुआला लंपुर की, पेट्रोनास टावर्स भी आप देख रहे हैं पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला मैं जब आया था तो वो पेट्रोनास टावर्स जो हैं उनके बिल्कुल नीचे एक साइड पर होटल था मेरा उस पर, और आज मैं दोबारा यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, नॉर्मली जब वर्किंग आवर्स होते हैं तो इतना रश नहीं होता, लेकिन जब रश आवर होता है तो यहाँ पर गाड़ी चलना, उसकी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है। और रोड्स जब ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक फ्लो सॉरी, तो फिर आपको इस किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं वो डेवलप करने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी एक सर्विस है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट और वी शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू ब्रिंग सच ट्रांसपोर्टेशन
means to our country. अभी जिस स्टेट पे हम रुके हैं इसका नाम है महाराजा लीला. तो आपको ये बताना चलूँ कि यहाँ की जो डेमोग्राफिक्स हैं मलेशिया की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. आपको यहाँ पर मेजॉरिटी तो मले मिलेंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन एक बड़ी तादाद इंडियंस की यहाँ पर आबाद है और इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद चाइनीज़ पॉपुलेशन की भी यहाँ पर आबाद है जो यहाँ पर आज से 100-150 साल पहले माइग्रेट होकर आए थे. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो तरक्की है इसकी सिर्फ इसमें मली लोगों का हाथ है, बल्कि इसमें ज़्यादा बल्कि इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडियंस की और चाइनीज़ पॉपुलेशन की है. इसके लिए मैप से कंसल्ट करना पड़ेगा. थोड़ा सा वो गलियों के बारे में दिखा दो कि गलियाँ कैसी हैं शहर की. और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ बेंतांग से निकल कर और मेरे ख्याल में मेरा होटल यहाँ पीछे है. वेरी इजी अप्रोच, ये स्टेशन है इधर और यहाँ से चलते से मुझे यहाँ तक आना है और ये होटल है मेरा. सो फाइनली आई एम हियर एट द होटल और मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान से हम चले तो कहाँ कहाँ रुके और यहाँ मलेशिया पहुँचे तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रांसपोर्ट लेकर हम पहुँचे यहाँ तक. और अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है.